हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज है हमारा सेकंड ब्लॉग और आज हम लोग करने वाले Q&A वीडियो। जैसा कि मैंने अपने इंस्टा पे स्टोरी डाला था कि आस्क मी सम यूनिक क्वेश्चंस, तो मैं आज उनमें से 10 टू 15 क्वेश्चंस लेने वाला हूँ और उनके आंसर करने वाला हूँ। तो बहुत ज्यादा मजा आएगा वीडियो में, तो बने रहिए और जानते हैं मेरे बारे में। सो अवर फर्स्ट क्वेश्चन इज हाउ इज योर लाइफ गोइंग। तो मेरी लाइफ बहुत ज्यादा अच्छी जा रही है और मेरे घर में ही हॉल है मेरा डांसिंग का, तो मैं घर पर डांस कर सकता हूँ, फ्लिप्स कर सकता हूँ और बहनों के साथ भी फ्लिप्स करता हूँ, हाँ डांस भी करता हूँ, तो बहुत ज़्यादा मज़ा आता है और बस यही है, नॉर्मल है, ज़्यादा भी कुछ खास नहीं। सो सेकंड क्वेश्चन है हाउ मैनी गर्ल फ्रेंड्स। यार अरे यार ये क्वेश्चन मत पूछा करो यार, ये सारे के सारे क्वेश्चन यही है, कुछ नया पूछ लो यार। और पहली बात नहीं है कोई गर्लफ्रेंड, और होती भी तो मैं बताता नहीं, और वो बात छोड़ो यार, फ़ोन टूट गया है और रियल में टूटा, कोई वॉलपेपर नहीं है, देख लो। अब मम्मी को जाके बोलना पड़ेगा, चलो कोई नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सो थर्ड क्वेश्चन है हु इज फ्रेंकीज बेस्ट फ्रेंड। फ्रेंकी मेरे पेट का नाम फ्रेंकी नहीं है अब, पहले था, क्योंकि वो नाम ज़्यादातर पसंद नहीं आया लोगों को, तो हमने उसका नाम रख दिया डम्पी, जो कि बोलने में भी थोड़ा ईजी है। तो डम्पी के बेस्ट फ्रेंड हैं गुन्नू और शेरू। शेरू दोनों डॉग्स हैं, स्ट्रीट डॉग्स हैं। अगर आपने मेरा पहला ब्लॉग देखा हुआ तो आप शेरू को जानते होंगे, लेकिन गुन्नू का भी कोई नहीं जानता, तो हम ढूंढते हैं उसे, अगर वो मिल जाता है तो मैं उसको मैं दिखाता हूँ। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ वाज योर फर्स्ट डे ऑफ HA3 रिहर्सल्स। सो मेरा सुपर आंसर का पहले दिन का रिहर्सल्स अच्छा था, बहुत अच्छा था। हम सबसे पहले हॉल में गए, सरम सर से मिले, रोहन भैया से मिले, और बस उसके बाद हम लोगों ने फ्लिप्स करी। पहले दिन हम लोगों ने डांस के बारे में ज़्यादा सोचा नहीं था, हम लोग गाना ढूंढ रहे थे कि कौन सा गाना करना है हमें ग्रैंड प्रीमियर में, तो हम लोगों ने फ्लिप्स करी, नई नई ट्रिक्स करी, बस पहले दिन ऐसे था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है एब्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाइट 5.4। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट्सएप डीपी। ये है मेरा व्हाट्सएप डीपी। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है तुम गौरव प्रदीप को कैसे जानते हो। मैं गौरव भैया और प्रदीप भैया को ऐसे जानता हूँ कि हम लोगों ने साथ में ग्रुप किया था, मतलब मैंने किया था, वो दोनों खुराफ कर रहे थे और इसलिए मैं उनको जानता हूँ। उसके बाद से हमारी दोस्ती थोड़ी ज़्यादा हो गई, हम लोग मिलने जाते हैं, और उनके साथ मैंने एक साउथ का रियलिटी शो भी किया है आता जूनियर सीजन 7, तो ऐसे मैं उनको जानता हूँ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फेवरेट फ्लिप कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है योर फोन्स वॉलपेपर। ये है मेरा फोन का वॉलपेपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट गेट स्ट्रक टू योर माइंड दैट यू डिसाइडेड टू बिकम अ डांसर और कराफर, प्लीज आंसर। सो ऐसा है कि मैंने पहले से सोचा नहीं था कि मेरे डांसर या कराफर बनना है। मैं समर वैकेशन में आज से शायद 7-8 साल पहले समर वैकेशन में डांस सीखने गया ऐसे ही, फिर थोड़ा थोड़ा अच्छा लगने लगा, तो मैंने सोचा कि शायद कुछ करना चाहिए। फिर मैंने ऑडिशन देना स्टार्ट करा शोज़ के, फिर धीरे धीरे सिलेक्शन स्टार्ट हो गया, फिर मैं थोड़ा सीरियस होगा कि मुझे हाँ डांसर बनना है, तो ऐसी मेरी जर्नी चालू हुई और अभी तक मैं कर रहा हूँ और ट्राई करूँगा आगे और जाने के लिए। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू यू डू इन अ डे। तो मैं उठता हूँ कुछ 9 या 10 के समथिंग, कुछ कन्फर्म नहीं है, और उसके बाद मैं फ्रेश होने जाता हूँ, फिर मैं ब्रेकफास्ट करता हूँ। उसके बाद आजकल लॉकडाउन है तो कुछ ज़्यादा करने के लिए है नहीं, तो मैं मूवी या फिर सीरीज देख लेता हूँ। उसके बाद मैं जाता हूँ नीचे हॉल पर प्रैक्टिस करने, फिर उसके बाद मैं सोचता हूँ कि मैं एक रील बना लूँ, अगर अच्छी सी रील बन जाती तो मैं पोस्ट कर देता हूँ अपने इंस्टा पे। फिर उसके बाद मैं वापस ऊपर आता हूँ, फिर कुछ खाता हूँ, फिर टाइम पास करता हूँ, फिर रात में घर वालों के साथ TV देख के खा के सो जाता हूँ। हमारा लास्ट क्वेश्चन है व्हाट इज दैट वन थिंग दैट मोटिवेट्स यू द मोस्ट, आई नीड सम मोटिवेशन टू। तो मैं मोटिवेट कैसे होता हूँ, क्योंकि मेरे फ़ोन में जब भी मैं यूज़ करता हूँ कोई भी सोशल मीडिया जैसे कि इंस्टा, अगर मैं इंस्टा ओपन करता हूँ तो सबसे पहले मुझे फ्लिप्स या फिर डांस की वीडियोज़ रिकमेंड होती हैं। अगर रील देखता हूँ तब भी ये होता है, अगर यूट्यूब ओपन करता हूँ सबसे पहले यही रिकमेंड होता है, तो मैं हर वक्त मोटिवेटेड रहता हूँ। और वैसे भी जब भी हम कोई चीज़ करने जाते हैं तो अपने आप मोटिवेशन आ जाती है। और हाँ, वीडियो ख़त्म करने से पहले कि मैं बताना चाहता हूँ कि ये फ़ोन टूटा नहीं है, मतलब टूटा तो है, क्रैक हुआ है इसका स्क्रीन, लेकिन ये बहुत पहले से है, ये तो मैंने बस वीडियो में ऐसे ही थोड़ा दिखाने के लिए कर दिया ऐड करके, तो सीरियस मत होना।
तो थैंक यू सो मच ये ब्लॉग देखने के लिए, ये Q&A वीडियो देखने के लिए, और अगर आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना और शेयर करना और कमेंट करके बताना कैसी लगी वीडियो। मैं सबके क्वेश्चन तो नहीं ले सकता था, मैं ट्राई करूँगा इसका पार्ट टू बनाऊँ, तो जल्दी पार्ट टू बनाऊँगा। और थैंक यू सो मच अपने क्वेश्चंस के लिए, मिलते हैं बहुत जल्दी।